हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केरवल मेडिकल सेंटर से। क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट या बियर्ड ट्रांसप्लांट के बाद स्कारिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि स्कारिंग क्यों होती है और इसे कैसे कम किया जा सकता है? तो आइए बात करते हैं। देखिए, कोई भी सर्जरी जहां पर अगर हमको एक कट कर रहे हैं, इंसिजन दे रहे हैं, तो उसकी हीलिंग स्कारिंग से होती है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट और बियर ट्रांसप्लांट भी एक सर्जरी है, इसलिए स्कारिंग इसका एक ज़रूरी हिस्सा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि स्कारिंग को हम इस तरह से करें कि वो कम से कम दिखे, कम से कम नोटिसेबल हो। तो स्कारिंग हर सर्जरी में होती है, जहाँ पे कट इन्वॉल्व है, जहाँ पर हम कोई इंसिजन देते हैं, वहाँ स्कारिंग ज़रूर होगा। अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो दो टेक्निक्स हमको मालूम है, FUT और FUE। FUT के अंदर हम एक स्ट्रिप लेते हैं और स्ट्रिप के अंदर स्टिचेस लगाते हैं और वहाँ पे एक लीनियर स्कार आता है। ऑब्वियसली वहाँ पर एक स्कार आता है, वो लीनियर स्कार आपको दिखता है। अगर आप चाहते हैं कि स्कारिंग कम से कम हो, तो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान देना है। FUT के अंदर, FUT के अगर हम ले रहे हैं तो स्ट्रिप ज़्यादा वाइड नहीं होनी चाहिए, यानी 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक ही उसकी विड्थ होनी चाहिए। दूसरी बात, जब हम ऐसे स्ट्रिप्स ले रहे हैं तो उसका क्लोजर प्रॉपर होना चाहिए। आजकल क्लोजर की कुछ नई टेक्निक्स आई हैं, जिसको ट्राइकोफाइटिक क्लोजर बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि स्कारिंग हमारी मिनिमल हो। FU टेक्निक के बाद जो लीनियर स्कार आता है, उसको कम करने के लिए स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन, यानी टैटूइंग का एक स्पेशल टेक्निक है जिसको SMP बोला जाता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तो कुछ टेक्निक्स हैं जो इनको हम इस्तेमाल करते हैं FU टेक्निक में स्कारिंग को कम करने के लिए। अगर हम FUE की बात करें, FUE के अंदर स्कार लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन में नहीं आता, बट स्मॉल स्मॉल माइक्रो पंचेस जो हम यूज़ करते हैं, उसके पंक्टेड स्कार्स यानी कि डॉट जैसे स्कार्स पूरे स्कैल्प पे पीछे जहाँ से हम डोनर एरिया है वो ज़रूर आते हैं। इसमें इसको कम करने के लिए कुछ बातों का हम ध्यान रख सकते हैं। पहली बात, क्या हम ध्यान रखना है कि जो हम पंच इस्तेमाल कर रहे हैं वो 0.8 या 0.9 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़ा ना हो। जितना बड़ा पंच इस्तेमाल होगा, उतना बड़ा स्कार आपके सर के पीछे आएगा और उतना खराब लगेगा बाद में। तो आजकल जो हम पंचेस यूज़ कर रहे हैं, 0.8 या 0.9 मिलीमीटर के पंचेस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे स्कारिंग पीछे मिनिमल होती है। दूसरी बात, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स हैं, PRPs हैं, और कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं जिसको अगर हम टाइमली इस्तेमाल करते हैं तो इन स्कारिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं। सिमिलरली सर्जरी के बाद भी कुछ ऐसी ऑइंटमेंट्स हैं जिसको अगर हम शुरू में इस्तेमाल करें तो स्कारिंग को मिनिमाइज किया जा सकता है। किसी भी सर्जरी के बाद अगर वहाँ पर इन्फेक्शन होता है तो स्कारिंग बहुत ख़राब होती है। हेयर ट्रांसप्लांट या बियर्ड ट्रांसप्लांट बाद भी हमें ये बात का ध्यान रखना है कि सर्जरी के बाद कोई किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अगर इन्फेक्शन हुआ तो हमारा स्कारिंग बहुत ख़राब लगेगा। अगर हम आते हैं फ्रंट में बालों के, जहाँ पे हम बालों को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो क्योंकि हम उसमें होल्स करते हैं नीडल से या माइक्रोब्लेड से, तो इनमें भी स्कारिंग होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखें, जैसे जो नीडल्स या माइक्रोब्लेड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने बारीक होंगे स्कारिंग हमारी उतनी कम होगी। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि जो नीडल्स या हम ब्लेड्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनका साइज़ मिनिमल है। सेकंड, ये बात अब बहुत अच्छे से समझी जा रही है, कई बार कुछ ग्राट्स आपको उठे हुए लगते हैं जिसको कॉबल स्टोनिंग बोला जाता है। कॉबल स्टोनिंग का मतलब होता है कि ग्राट्स ऐसा लगता है, ग्राट्स के अराउंड जो स्किन है वो ऊपर उठ गया है, हल्के हल्के माउंटेंस की तरह, माउंट्स की तरह, जिसका आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कॉबल स्टोनिंग क्या है। कॉबल स्टोनिंग कई बार हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी हो सकती है। कॉबल स्टोनिंग को कम करने के लिए जिन बातों का ध्यान रखना है वो ये कि हम ज़्यादा बड़ा पंचेस का साइज़ ना यूज़ करें, जो एक्स्ट्रा स्किन है ग्राफ्ट के ऊपर उसको रिमूव करें और ग्राफ्ट को ठीक से पूरा अंदर इम्प्लांट करें। इसलिए जो होल्स किए जा रहे हैं ग्राफ्ट को अंदर डालने के लिए, वो एडिक्वेट लेंथ के होल्स हों ताकि ग्राफ्ट पूरे का पूरा अंदर तक जाए। अगर ये ग्राफ्ट थोड़ा भी बाहर रह जाता है तो ये काफ़ी कॉबल स्टोनिंग कॉज कर सकते हैं। अगर हम बियर ट्रांसप्लांट में आते हैं तो बियर ट्रांसप्लांट के अंदर भी हमको माइक्रोस्कार्स यानी छोटे छोटे स्कार्स मिल सकते हैं, क्योंकि बियर ट्रांसप्लांट करने के लिए भी हमको छोटे
होल्स करने पड़ते हैं जिसमें हम अपने ग्राफ्ट को इम्प्लांट करते हैं। इसलिए बेयर ट्रांसप्लांट में हमको ध्यान रखना चाहिए, थोड़ी स्कारिंग ज़रूर होती है जिसको माइक्रो स्कारिंग बोलते हैं, लेकिन उसको कम करने के लिए किन बातों को हम इस्तेमाल रख सकते हैं। देखिए, कॉबल स्टोनिंग जिसकी हमने बात की थी वो बेयर ट्रांसप्लांट में ज़्यादा अधिक दिखती है एज़ कम्पेयर टू इन हेयर ट्रांसप्लांट। खास करके बेयर ट्रांसप्लांट में जो एरिया हमारे लिप्स के अराउंड है, चिन के अराउंड दिस एरिया, इसमें कॉबल स्टोनिंग बहुत अधिक दिख सकती है। उसका रीज़न ये है कि सर्जरी के बाद जब हम मूवमेंट्स करते हैं, खाना खाते हैं, बोलते हैं, तो जो मूवमेंट्स होती है उससे ग्राफ्ट की मूवमेंट होती है। ग्राफ्ट जो है वो अपने होल से, अपने जहाँ पर हमने उसको इम्प्लांट किया था, कुछ बाहर निकल सकता है। तो किन बातों का ध्यान रखना है अगर हम बेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो कॉबल स्टोनिंग को कम करने के लिए? देखिए, एक तो हमें जो ग्राफ्ट्स यूज़ करने हैं उनका साइज़ कम से कम होना चाहिए 0.7 या 0.8। बियर्ड में हम 0.7 के मिलीमीटर का पंच इस्तेमाल करना प्रेफर करते हैं। जो हम होल्स कर रहे हैं उनकी लेंथ एडिक्वेट होनी चाहिए। अगर आपका 4 मिलीमीटर का ग्राफ्ट का लेंथ है तो जो आप होल कर रहे हैं वो 4.5 मिलीमीटर का कम से कम होना चाहिए, ताकि ग्राफ्ट पूरा का पूरा अंदर जाए और वो पॉप आउट ना करे, बाहर ना निकले। तीसरी बात, अगर ग्राफ्ट में एपिडर्मल स्किन यानी स्किन ज़्यादा है तो उसको हम कट करके, रिमूव करके तब इम्प्लांट करें। तो इन बातों का ध्यान रखना है। कुछ बातें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। जैसे हम देखते हैं डार्कर स्किन, जिन लोगों का स्किन डार्क है या जिनमें केलॉइडल टेंडेंसीज हैं या जिनकी स्कार हीलिंग अच्छी नहीं होती है, ऐसे लोगों में स्कार्स जो हैं वो ज़्यादा निकल के आते हैं, ज़्यादा ऑब्वियसली दिखते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। हर एक बॉडी का स्किन और टेक्सचर डिफरेंट होता है, इसलिए जो हीलिंग है वो डिफरेंट हो सकती है। इसलिए किसी किसी पेशेंट में स्कारिंग बिल्कुल मिनिमल हो सकती है और किसी में काफ़ी ऑब्वियस हो सकती है। इन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट भी स्कारिंग जो है वो वेरी करेगी। किसी पेशेंट में हो सकता है बिल्कुल स्कारिंग ना दिखे और किसी पेशेंट में आपको स्कारिंग दिख भी सकती है। इसको फर्दर अगर मान लो कॉबल स्टोनिंग हो गया तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कॉबल स्टोनिंग हो गया है तो उसको कम करने के लिए CO2 फ्रैक्शनल लेज़र, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये CO2 फ्रैक्शनल लेज़र और कुछ हद तक डर्म एब्रेजन, ये टेक्निक्स हमें हेल्प करती हैं कॉबल स्टोनिंग को कम करने में। साथ में टॉपिकल ऑइंटमेंट्स हैं जैसे कि माइल्ड स्टेरॉइड्स हैं, एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स हैं जैसे सैलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, यूरिया, इनका कॉम्बिनेशन अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो एक कॉबल स्टोनिंग को कम करने में भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम आपसे ये बोलेंगे कि अगर हम टेक्निक्स को ठीक से इस्तेमाल करते हैं तो स्कारिंग बिल्कुल मिनिमल हो सकती है, लेकिन स्कारिंग को हम ऐसा नहीं बोल सकते कि स्कारिंग बिल्कुल नहीं होती है, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। कॉबल स्टोनिंग को भी मिनिमाइज किया जा सकता है। अगर थोड़ी बहुत हल्की बहुत कॉबल स्टोनिंग आपको हुई है तो उसके लिए घबराए नहीं, उसको टाइमली अगर हम फ्रैक्शनल लेज़र और प्रॉपर ऑइंटमेंट से ट्रीट करते हैं तो काफ़ी हद तक उस कॉबल स्टोनिंग को कम किया जा सकता है और रिड्यूस किया जा सकता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, डॉक्टर संदीप बसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर।